हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आकांक्षा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं व्हाट्स इन माय बैग। जी हां, मेरे बैग में क्या क्या है जिससे मैं आउटिंग करती हूं, कहीं आसपास जाती हूं, यानी कि अपने शहर में ही कहीं इवनिंग के लिए या फिर 2 या 4 घंटे के लिए कहीं जाती हूं, तो मैं क्या क्या कैरी करती हूं, मेरे बैग में क्या क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी या थोड़ी भी हेल्पफुल लगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन आएगा उसे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आप नोटिफाई हो सके मेरे हर वीडियो से। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा बैग जो मैं आजकल यूज कर रही हूँ, यही बैग मैं यूज कर रही हूँ। और ये एक पर्स है, बट ये स्लिंग वाली डिजाइन में है, सो ये काफी अच्छे से मैं इसे कैरी कर लेती हूँ, काफी मॉडर्न लुक भी देता है। और इसका जो कलर है आप देख सकते हैं, ऑफ व्हाइट है। और इसे मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, सो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मैं वहां लिंक दे दूंगी। और मैंने एक बैग हॉल भी किया है, जो भी बैग्स मैंने फ्लिपकार्ट से लिए थे और अपने बैग्स का कलेक्शन मैंने शेयर किया है, सो मैं उस वीडियो का लिंक भी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली में ही वो हॉल शेयर किया है, फ्लिपकार्ट बैग्स हॉल का। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मेरे बैग में क्या क्या है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ ओपन करती हूँ इसे। तो सबसे पहले मैं आपको जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेकअप का क्या क्या सामान मेरे पास है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे बैग में मुझे ये कॉम दिख रहा है। जी हाँ, सो मैं वाइड टीथ वाले कॉम भी ज्यादा यूज करती हूँ, और स्पेशली कहीं बाहर में मुझे अगर हेयर कॉम करके दिखाना हो तो मैं ऐसे वाइड टीथ वाले ही यूज करती हूँ, ताकि ये जल्दी थोड़े यूज भी आते हैं और मेरे हेयर टूटते भी नहीं है, सो मैं इसे यूज करती हूँ। सो ये है सेकंड चीज फ्रेंड्स मेरे पास है, ये पावर बैंक। जी हाँ, और ये जो है इस तरह का है कुछ, और मैंने इसे भी फ्लिपकार्ट से लिया था और ये काफी अच्छा वर्क करता है। सो मैं पावर बैंक हमेशा अपने साथ लेकर चलती हूँ, ताकि क्योंकि मेरे फोन की बैटरी हमेशा काफी लो रहती है यूट्यूब ये सब के कारण, सो मैं इसे लेकर चलती हूँ, ताकि मुझे कभी भी कोई धोखा ना हो जाए या फिर कुछ लॉस ना हो, इसलिए मैं इसे लेकर चलती हूँ हमेशा चार्ज करती हूँ। और आपको भी, अगर आपका काम मोबाइल से है, फोन से है या फिर कुछ भी इस तरह का है, तो आपको हमेशा लेकर चलना चाहिए, इमरजेंसी में आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। सो जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वो है ये हैंकी। जी हाँ, मैं अपने बैग में एक हैंकी भी रखती हूँ, सब रखते होंगे क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ जाती है इनकी, सो मैं एक हैंकी लेके हमेशा रखती हूँ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ये पेन, और पेन भी सबके बैग में होता ही है क्योंकि कभी भी हमें काम पड़ जाता है, पेन का जरूरत कभी भी आ जाती है, तो ये पेन है मेरे पास। फ्रेंड्स, मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मोबाइल फोन। जी हाँ, ये मेरा छोटा सा मोबाइल फोन है, कीपैड वाला फोन है, और ये है कौन सी ब्रांड का है, आईकॉल का है, सो मैं इसे भी रखती हूँ। इसमें मैंने 2 SIM भी रखे हुए हैं, किसी भी इमरजेंसी के लिए या फिर कुछ भी काम के लिए मैं ऐसे ही भी यूज करती हूँ। इसमें मेरी वॉच भी पड़ी हुई है, शायद मैंने कभी गई होंगी कहीं तो खोल कर रख दिया होगा, सो ये वॉच है मेरी। सो फ्रेंड्स, ये हैं मेरे कुछ कार्ड्स जो भी हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और मेरे कॉलेज का कार्ड, और एक है बजाज फाइनेंस का कार्ड, आप देख सकते हैं ये है बजाज का कार्ड, और फिर ये मेरा पैन कार्ड है, ये मेरी मम्मी का भी पैन कार्ड मेरे पास ही है, और आधार कार्ड, और मेरे कॉलेज का कार्ड, ग्रेजुएशन ईयर का कार्ड है मेरे पास, बस ये कुछ कार्ड्स हैं। और मेरा डेबिट कार्ड भी है, इसमें SBI का डेबिट कार्ड भी है। मेरा फ्रेंड्स इस पर्स में है, इसके अंदर मैंने एक छोटा सा पर्स भी रखा हुआ है इस तरह का, और इसमें जो भी कैश होते हैं वो मैं रखती हूँ, और इसमें ज़्यादा नहीं, बस 500 रुपीज़ कैश हैं। और ये हैं मेरे शेड्स, जो कि किसी भी फेमस ब्रांड से नहीं है, बट काफ़ी अच्छे हैं और मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ऊपर लिखा है, मेंशन है फनी फंकी बॉयज, बट ये मेरा फेवरेट शेड्स हैं और मुझे काफी अच्छे लगते हैं, और इन्हें भी मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, इस तरह का है, आप देख सकते हैं काफी अच्छा लुक देता है और काफी मॉडर्न है, और मुझे राउंड शेप वाले सनग्लासेस काफी अच्छे लगते हैं। सो ये मेरे शेड्स हैं। सो नेक्स्ट फ्रेंड्स, मेरे पास अब तो ज्यादा चीजें नहीं बची हैं, मैं ज़्यादा चीज़ें बैग में कैरी नहीं करती क्योंकि अभी मैं कोई बाहर में जॉब नहीं कर रही, तो उस तरह का कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी इक्विपमेंट आपको नहीं मिलेगा। सो ये एक छोटा सा बॉक्स है, और इसमें मैंने अपनी सारी इयरिंग्स कैरी करती हूँ, जो छोटी छोटी इयरिंग्स होती हैं, कभी खोलना हो गया या फिर कुछ भी पहनना हो गया अचानक से, तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ, बट सारे खोलने के बाद सीधे यहीं रह जाते हैं और मैं इसे बैग से निकाल भी नहीं पाती, सो इसलिए इतने सारे जमा हो गए हैं। सो मैं आपको एक दो इयरिंग्स दिखा भी देती हूँ, इस तरह के इसमें जो टॉप्स होते हैं फ्रेंड्स, वही मैं रखती हूँ छोटे छोटे, जिन्हें मुझे कभी भी ओपन करने की जरूरत पड़ी या फिर कुछ भी ऐसा हुआ तो। सो मेकअप के लिए बस मेरे पास कुछ नहीं, ये सनस्क्रीन है जिसकी जरूरत कभी भी पड़ जाती है, ये न्यूट्रीजना का SPF 50+, और ये काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी छोटा ट्यूब है, इसलिए मैं इसे कैरी करती हूँ, और अब मैं ये मेरा ख़त्म भी होने वाला है।
दूसरी चीज है मेरे पास फ्रेंड्स पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, इसे भी मैं कैरी करती हूँ कभी भी आउटिंग के लिए, कहीं से जाने के लिए कहीं प्लान बन जाए इस तरह का अचानक कुछ, तो मैं इसे कैरी करती हूँ ताकि मेरे काम आ जाए। नेक्स्ट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मेबी न्यूयॉर्क का कॉम्पैक्ट, मैं इसे कैरी करती हूँ क्योंकि इसमें आपको मिरर भी मिल जाता है और ये काफी अच्छा है, सो इसलिए मैं इसे कैरी करती हूँ। और मेरे पास बैग में है फ्रेंड्स ये दो लिपस्टिक्स, ये है मेबलिन की रॉक दी कोरल, ये कोरल कलर है और ये मेरी फेवरेट है, और ये है लैक्मे की लिप क्रियॉन और जिसका शेड है पिंक ब्रश 06 और ये भी मेरी काफी फेवरेट है। पिंक और कोरल ही ज्यादा मैं बाहर अप्लाई करती हूँ इसलिए ये दोनों मेरे बैग में है। सो यही चीजें थी फ्रेंड्स मेरे बैग में, अब और कुछ भी मेरे बैग में नहीं है। सो मेरा बैग काफी स्पेसियस है, अगर आप इस बैग को लेना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, मेरी एडवाइस यही रहेगी, काफी अच्छा बैग है और मुझे काफी अच्छा लगता है। सो ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी या थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।